स्वागत है आपका हमारे चेस चैनल क्लासिक चेस न्यूज में। मैं हूं संदीप और आज मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही दिलचस्प मुकाबला, एक हो सकता है फ्यूचर का वर्ल्ड चैंपियन और प्रेजेंट के वर्ल्ड चैंपियन के बीच में। तो अली रजा फिरोजा और मैग्नस कार्लसन के बीच में मुकाबला कल टाटा स्टील मास्टर 2020 के में हुआ था। यहाँ पर वाइट से थे अली रजा और ब्लैक से थे मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन ने इतनी सॉलिड गेम खेली है, इसको हमें देखना चाहिए और इससे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। तो ये आइए चलिए मैच देखते हैं। वाइट से थे अली रजा, इन्होंने चला e4, e5, नाइट f3, नाइट c6 और बिशप b5। रूल पे इसका वेरिएशन है और यहाँ पर मैग्नस ने बहुत ही सॉलिड खेलते हुए नाइट f6 खेला। एक बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते थे, पिछला जो एक ब्लिच में बहुत मुश्किल में पड़ गए थे मैग्नस कार्लसन, बहुत मुश्किल से वो गेम जीते थे। और यहाँ पर d3, d6, c3 ये नॉर्मल ओपनिंग है और इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर खेली जाती है, यहाँ पर a6 चल के बिशप पर अटैक किया, बिशप a4 पर गया और यहाँ पर बिशप e7 चला मैग्नस ने और दोनों पक्षों ने कैसलिंग कर ली। तो ये पोजीशन नॉर्मल ओपनिंग में आती है। यहाँ पर e1 रुक e8 दोनों का रुक e5 पर पकड़ बनाते हुए और यहाँ पर अली रजा ने नाइट को d2 पर चला। यहाँ मैग्नस ने अपने बिशप को f8 पर लाया। हमें पता है कि हम बिशप को एक बिशप को हम पैसिव रख सकते हैं मिडिल गेम में, क्योंकि इससे कोई परेशानी नहीं होती है, लास्ट में वो गेम खेला जाता है। एक बिशप एक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ पर h3 पर रख के एक तरह से जो लाइट स्क्वायर बिशप है मैग्नस कार्लसन का, उसको स्टॉप किया कहीं भी पेनिट्रेट करने से। तो मैग्नस ने उसके लिए दूसरा रास्ता अगर देखा जाए तो यहाँ से नॉर्मली g4 पर आके करता है तो दूसरा रास्ता बनाया था b7 के थ्रू उसको ले जाने के लिए। पहला तो ये अटैक कर रहा है a4 वाले बिशप पर और सेकेंडली जो है ये हमारा बिशप मैग्नस कार्लसन का b7 पर जा सकता है। तो अली रजा ने अपने बिशप को c2 पर ले गए और मैग्नस ने अपने बिशप को b7 पर ले गए। यहाँ पर सेंटर में d5 चल दिया अली रजा ने और ये एक तरह से सेंटर पर अटैक है, लेकिन मैग्नस ने इसको इग्नोर करते हुए g6 खेला। और यहाँ पर देखा जाए तो एक टेंशन सा क्रिएट हो गया है पॉन का और कोई अपना टेंशन उसको तोड़ना नहीं चाहता है। a3 चला अली रजा ने और ये एक मैग्नस का नॉर्मली जो नाइट को उन्होंने b8 पर ले गए ताकि वो d7 पर ले जा सके और इस तरह से मैनेवर करते हैं नाइट का। यहाँ पर सेंटर को क्लोज कर दिया अली रजा ने। उसी टाइम में मैग्नस ने उस सेंटर को, उस पोन को, डी पोन को चैलेंज किया c6 चल के, इस टेंशन को बरकरार रखा गया c4 चल के। यहाँ पर अगर देखा जाए नाइट bd7 चला गया, अगर हम उस पोन को लेते हैं b4 वाले को तो यहाँ पर d takes c6 हो जाएगा, बिशप टेक्स c6। यहाँ वाइट का पोजीशन थोड़ा सा बेटर हो जाएगा जब नाइट टेक्स b4 होगा। तो ऐसा पोजीशन मैग्नस कार्लसन को पसंद नहीं था और वो ज़रा भी मौका नहीं देना चाहते थे अली रजा को, जानते हैं कि बहुत ही स्ट्रांग खिलाड़ी हैं, तो इसलिए उन्होंने नाइट बी को d7 पर चला। यहाँ पर a4 खेला गया अली रजा से और ये क्वीन को चला गया c7 पे। यहाँ पर बहुत सारे हिडन ट्रिक्स लग सकते हैं। एक तो बिशप पर अटैक होगा c2 वाले पे और या इवन c3 जाके भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ 23 मिनट सोचने के बाद b3 चला था अली रजा ने और उसके बाद से जैसे ही बिशप c8 पर आया तो अब तो उस पोन का डिफेंस क्वीन तो कर रहा है, लेकिन सिंगल डिफेंस को डबल किया रुक को a2 चल के। यहाँ पर इसके बाद से मैग्नस ने b takes c4 और b takes c4 के बाद b takes c4 ही लेना ज़्यादा बेटर था, इसलिए बेस्ट मूव चला। यहाँ पर
ए5 चला गया माइनस द्वारा, एक जगह जो है बिशप को जो h1 a5 है उससे नहीं कुछ हो पा रहा है, तो ये e3 पर जा a6 पर जाके एक दूसरी फाइल को कब्जा करने की सोच रहा है। यहाँ पर अलीरा ने बहुत सोच समझ के नाइट को f1 पर चला ताकि वो e3 पर आके पॉन और बिशप दोनों का ही एक गार्ड कर सकें, क्योंकि क्वीन से अगर किसी पीस को अगर हम प्रोटेक्ट करते हैं तो क्वीन की पावर को लूज़ करते हैं, तो इसलिए वो नाइट वहाँ रख के उन्होंने एक तो c2 वाले बिशप पे और c4 वाले पॉन पर दोनों पर ये किया। यहाँ पर मैग्नस ने नाइट को c5 पे चला और यहाँ डबल अटैक है ई वाले पॉन पे, तो अलीरा ने उसको प्रोटेक्ट किया नाइट को d2 चल के। यहाँ पर c takes d5, c takes d5 के बाद इस तरह से दो ओपन फाइल हो चुकी हैं और इसमें देखते हैं कौन किसको कितना फ़ायदा पहुंचाती है। यहाँ पर रुक को b8 पर रखा मैग्नस कार्लसन ने और उस ओपन फाइल को जल्द से जल्द कब्जा किया। यहाँ पर वाइट ने बिशप को a3 पर किया, वो उसके पास और कोई ज़्यादा नहीं, बहुत पैसिव था, इनिशियल पोजीशन पर बैठा हुआ था, उसको डेवलप किया। और अब मैग्नस ने क्वीन को d8 पर चल के उससे एक तरह से नाइट को प्रोटेक्ट किया, क्योंकि नाइट पर एक अभी खतरा नहीं था लेकिन बाद में आ सकता था। यहाँ पर वो बिशप को h6 के थ्रू एक इसको भी एक्टिव करना चाहते हैं मैग्नस कार्लसन, और वो हम देखेंगे। और यहाँ पर नाइट आकर हो सकता है परेशान करे, तो इसलिए पहले h5 चला, h4 भी आगे जा सकते हैं और वाइट के लिए बहुत सारी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। तो यहाँ पर वाइट ने रुक को a1 पर चल के एक दोनों रुक को आपस में कनेक्टेड रखा और फिर से यहाँ पर एक्सचेंज करने की कोशिश की, तो यहाँ पर जो बी वाली फाइल है वो मैग्नस ने वाइट को दे दी। यहाँ पर कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता है, ये फाइल ओपन तो फाइल है लेकिन यहाँ पर पेनिट्रेशन नहीं हो सकता है। अगर हम ब्लैक के एरिया में देखें कि वो रुक आ सकता है तो कहीं भी उसके पास जगह नहीं है। ये दो स्क्वायर तो बिशप ने कैप्चर कर रखे हैं, एक क्वीन ने कर रखा है, नाइट ने भी b7 को कब्जा कर रखा है और रुक ने b8 को, तो कहीं से पेनिट्रेशन नहीं हो रहा है, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है फाइल देने में। यहाँ पर मैनस कार्लसन ने किंग को g7 पर रख के एक तरह से दोनों माइनर पीसेस को एक प्रोटेक्शन भी दिया, किंग का भी यूज वो बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। यहाँ अगर देखा जाए तो ब्लैक वाइट का भी सारे पीस डेवलप हैं, उसके पास कोई चाल नहीं है, तो नॉर्मली वो जैसे ही नाइट को f1 पे ले गए तो h4 चल के उसका g3 पर आना प्रिवेंट किया मैग्नस कार्लसन ने, और इस तरह से एक स्पेस भी गेन किया। फिर से नाइट रेपुटेशन मूव का रेपुटेशन हो रहा है, क्योंकि अली राजा के पास कोई वैसा मूव नहीं है और मैग्नस कार्लसन धीरे धीरे अपने पीसेस को जो है वो अच्छे पोजीशन पर ले जा रहे हैं। कभी भी अगर क्वाइट मोमेंट हो गेम में तो हमें अपने पीसेस को अच्छे स्क्वायर पर ले जाना चाहिए, उनको अच्छी जगह देना चाहिए। तो अरे ये अपना मूव रिपीटेशन कर रहे हैं और यहाँ पर जब इम्पेशेंट हो गए, थोड़ा सा अपना पेशेंस खो दिया अली राजा ने, तो यहाँ एक्सचेंज के बाद से ब्लैक ने अपना बिशप दोबारा h6 पर खींच लिया और यहाँ पर h4 चला गया वाइट से, क्वीन को मैग्नस ने d7 पर चला। यहाँ से दो जगह वो टारगेट करके रखे हैं, या तो h3 पर जाएंगे या फिर इस पॉन पर डबल अटैक, a4 वाले पॉन पर डबल अटैक हो रहा है। तो अली राजा ने काफ़ी देर सोचा, उसके बाद से उन्होंने सोचा कि शायद खतरा हो सकता है किंग साइड अगर क्वीन आती है तो उन्होंने अपना किंग को जो है वो g2 पर रखा ताकि वो h3 पर क्वीन ना आ सके। तो इस तरह से एक पॉन का लॉस हो गया है। अगर हम एक और मूव दे सकते हैं क्वीन को, अगर हम e2 पर चलते तो ये भी एक अच्छा मूव होता, यहाँ सेक्रीफाई भी कर सकते थे और अल्टीमेटली ये भी लॉन्ग टर्म में ब्लैक के लिए विनिंग होता है। लेकिन यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने एक क्वीन को d7 पर रखना ज़्यादा अच्छा लगा और जैसे ही मौका मिला उन्होंने एक पॉन को ग्रैब कर लिया और बिशप ने जैसे नाइट को लिया, क्वीन पहुंच गया
ए4 पर बिशप पर अटैक है और बिशप को एक पॉन मिल रहा है, लेकिन ये पॉन लेना कितना महंगा पड़ेगा ये हम आगे देखेंगे गेम में। तो कैलकुलेशन जो है वो मैग्नस कार्लसन की लाजवाब है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। क्वीन गया D4 पर और यहाँ से एक डबल अटैक है D2 वाले नाइट पे, तो अली रजा ने सोचा क्वीन एक्सचेंज कर लें। तो क्वीन एक्सचेंज करने के बाद भी जो है ये अपने आप को हार से नहीं बचा सके और इस पोजीशन में उन्होंने रिजाइन कर दिया, क्योंकि बिशप टेक्स F1 के बाद से अगर वो बिशप को किंग से लेते हैं तो बिशप टेक्स D2 और एक पीस का यहाँ पर पीस लूज कर रहे हैं। अगर वो नाइट से F1 को लेते हैं तो नाइट E4 चेक और उसके बाद से भी जो ये बिशप है D6 पर वो भी जा रहा है और चेक देने के बाद भी जा रहा है, वैसे भी जा रहा है और यहाँ से ब्लैक का कंप्लीट विन है। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गेम जो है वो मैग्नस कार्लसन ने खेला। आशा करते हैं कि आपको इनकी गेम पसंद आई होगी। तो लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।